पहले बीकानेर में जमीन का धंसना, फिर बाड़मेर में जमीन में दरार। इन घटनाओं को लेकर बीते एक महीने से राजस्थान कौतूहल का विषय बन गया है। अब एक और तस्वीर वायरल हो रही है जहां जमीन से बुलबुले उठते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो है झुंझुनू का। ये घटना झुंझुनू के मंडावा मोड़ स्थित मौन कॉम्प्लेक्स के पास सड़क किनारे की है, जहाँ कुछ हिस्से में मिट्टी उबलकर जमीन में धंस रही है। ये सिलसिला पिछले 10 दिनों से जारी है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां कुछ लोग मिट्टी धंसने का वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी मिट्टी पर पांव रखकर देखता है, तो मिट्टी और भी धंसती दिख रही है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस तरह की घटना से हर कोई हैरान है। लोग इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 10 दिन से मिट्टी धंसने का सिलसिला जारी है। अलग अलग जगहों से मिट्टी उबलकर जमीन में धंस रही है। आपको बता दें, 16 अप्रैल को बीकानेर की सहजरासर गांव में करीब 1.5 बीघा जमीन धंस गई थी। जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौके पर पहुंची थी। सर्वे में फिलहाल कहा जा रहा है किसी जमाने में यहाँ जमीन के नीचे पानी का कोई प्राकृतिक स्रोत रहा होगा, जिसके सूख जाने से यहाँ वैक्यूम बन गया और अचानक उसके खत्म हो जाने से जमीन धंसने लगी। अभी तक जमीन धंसने की असली वजह का पता नहीं आया है सामने। बीकानेर के बाद 6 मई को बाड़मेर में 2 किलोमीटर तक जमीन दरक गई थी। घटना के बाद स्थानीय लोग हैरान थे। सूचना पर पहुंची जियोलॉजिकल की टीम जांच में जुटी है। जिस स्थान पर जमीन में दरार आई है, वहाँ आसपास ऑयल एंड गैस प्लांट है। स्थानीय जिला कलेक्टर निशान जैन ने बताया कि जमीन में जहाँ दरार आई, वहाँ केयर्न ऑयल एंड गैस प्लांट है। यह जिले का सबसे बड़ा वेल ऑयल प्लांट है। बीकानेर और बाड़मेर के बाद झुंझुनू में हो रही इस घटना ने सभी को चौंका दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो बीते एक महीने में राजस्थान के 3 बड़े शहरों में एक एक कर तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल झुंझुनू को लेकर भी जेएसआई की टीम जांच कर रही है और इंतजार है उसकी रिपोर्ट का।